बॉटल गर्ल्स अभी जस्ट आपको एक बढ़िया ऑफिशियल इवेंट शुरुआती इवेंट आता हुआ इनके हाथ में दिखा था, तो कहीं ना कहीं ये वो टीम है जो कि शुरुआत बहुत बड़ी करती है और खेलती कौन दिखेगी, रेबल एंड क्लची अगेन द डेडली डुओ, बिकॉज सी आई एम वन ऑफ द वेरी बिग फैंस ऑफ रेबल बिकॉज ऑफ द गन पावर, बिकॉज ऑफ द गेम प्ले, क्लची काफी ज्यादा उमदा प्रदर्शन इनके तरफ से दिखता जरूर है, बट अभी लग रहा है यहाँ से जीत जाती मजा आएगा। पहला क्वेश्चन है कि उन्हें क्लचिंग करेंगे डाउन, रेबल दिखते थोड़ी ज्यादा एचपी कम और एगी अगेन फाइंडिंग द सेकंड वन, दोनों बेहतरीन कनेक्शन आते हैं और एगी जहां पहुंच गए यहां से बचना मुश्किल है क्योंकि अगर दोनों प्लेयर एक साथ चढ़े बट अगर कवर आ जाए, अगर आपके टीममेट साथ के साथ आगे बढ़ जाए चीजें बदली जा सकती है, एजे अगर परफॉर्म कर जाए एक बार आगे बढ़ जाए और जी हाँ एजे आगे बढ़ेंगे कनेक्शन ढूंढ गए और यहाँ पर डाउन जाता, मुझे लग रहा है ऐसा कि बॉडी गर्ल्स तो भी असमंजस में कि कहां से वो शॉट्स पड़ रहे हैं बिकॉज दोनों तरफ से प्लेयर्स वो स्प्लिट लेके फाइट लिए जा रहे हैं। एक्चुअली शुरुआत में जब आपने कहा था ना कि प्रिंस के बारे में जब आपने कहा था तो उसी टाइम पे मैं आपको करेक्ट करने वाला था कि मेरे हिसाब से आई नो प्रिंस नहीं खेलने वाले, एजे एंड एगी दोनों के दोनों खिलाड़ी ये इनके ना ट्रम्प कार्ड्स है, व्हेनेवर इट कम्स टू गुजरात टाइगर्स प्रिंस बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एनिग्मा एगी, हमारे एगी एंड एजे पे दोनों खिलाड़ियों पे, अब गुजरात टाइटन्स में है पहले अलग अलग टीम से इन्होंने खेला है और वहां से अपने जो गेम को दिखाया एंड दैट इज वाई नाउ दे आर इनटू अ ग्रेट स्क्वाड और जिनकी सिनर्जी बहुत शानदार है, काफी ज्यादा डोमिनेटिंग टीम है। बट सामने की तरफ से गॉड लाइक गर्ल्स की बात करें तो यहाँ से भी डोमिनेशन नजर आता हुआ एंड देयर वी गो 5-4 का स्कोर, ये दो लड़कियां कुछ कम नहीं है, हमारी चोरियां चोरों से कम नहीं है और वही चीज देखने को मिल रही है। क्लची क्या बात है, बहुत बेहतरीन गेम खेल रही है रिबेल और क्लची। देखिए यहाँ पे ना गेम जीतना है तो सिर्फ गन पावर से नहीं दिमाग से के काम लेना पड़ेगा, गन पावर फॉर श्योर रिबेल और क्लची का तो बहुत शानदार है ही, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बात है, एजे को क्या प्यारा निकाला है रिबेल ने, मजा आ गया देख के। बट स्टिल अभी तो बहुत लंबी बैटल है, कुछ मिनट और सर्वाइव करना है, कुछ मिनट और ब्रैक्स लेते रहना है तभी आप अगले राउंड में जाएंगे। सो बराबरी का प्रेशर है दोनों तरफ, परेशान तो है बट आप देखिए थोड़ा सा पीछे रह गई टीम और वहां से वो कमबैक जो काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से किया क्लची की तरफ से, एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी बट यहाँ पे डाउन करना बहुत इजी, एक साथ पीछे घूम के वो ड्रॉप शॉट लेने की कोशिश थी और तो एक को तो पिक किया और नीचे सेकंड भी पिकअप बड़े आराम से निकालेंगे, एचपी काफी कम थी और गुजरात टाइगर्स एक कमबैक वापस आता दिख रहा है, 8-6 का स्कोर है आपको चलते सेटिंग देयर, कोशिश करते कनेक्शन ढूंढने का मिस आउट किया जरूर से निकल के रेबल हाथ से, पता है ट्राई वापस करेंगे अगेन वो पिक्सल पीक्स पे कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं जरूर से, यहाँ से अगर वो स्कोर लाइन वापस से बराबर होती लीड नलिफाई होती है चीजें थोड़ी खराब होंगी बट अगर लीड को मेंटेन किया जाए मजा आएगा, क्लची एचपी बहुत कम सेव जाना पड़ेगा बचना पड़ेगा और हंट किया जाएगा, अब तो क्लची को एगी ड्यूटी कमिंग विद द पिस्टल बट नो, क्लची ने बता दिया कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं फिनिश होने देंगे, एजे की तरफ से कनेक्शन आया जरूर से बट वो लीड अभी भी कायम है, कारल का क्या बढ़िया उपयोग आपको होता है दिख रहा है ना कि मैं मानता हूं कि स्कारल आल्सो अ वेरी गुड वेपन और मैं जनरली M4 से ऊपर स्कारल को चुनता हूं क्लोजेस्ट फाइट्स के लिए, दिस इज माय पिक बट बात करते हैं हम अभी के लिए एक ही अच्छा प्रेशर होने का मौका, रेबल की एचपी कम की मौका रहेगा यहां पे एजे के पास, नो कंफर्मेशन निकाल दें बट एजे वो काम खत्म करेंगे रेबल को भी करेंगे समाप्त और यहां से वो जो लीड है बहुत आराम से नलिफाई होती दिख सकती है मुझे, अगेन लुक एट दिस कोशिश की जा रही क्लची की तरफ से बचने की, एगी थोड़े और कनेक्शंस एगी को यहां पे चाहिए बट एगी को खुद को ही बचाना, एगी हैज नो आईडिया कि कहां गई क्लची, किधर से पार हो गई दिखा भी नहीं बट क्या एगी के ऊपर वो कंफर्मेशन बिकॉज क्लची इज मूविंग फॉरवर्ड, क्लची यस वो कनेक्शन ढूंढा बट ट्रेड आउट एजे की तरफ से बहुत अमेजिंग, 12-10 का स्कोर, टीम गॉड लाइक स्टिल लीडिंग बाय 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है लेकिन गुजरात टाइटंस प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, देयर वी गो 2 पॉइंट का डिफरेंस हैज नाउ बिकम 1 क्योंकि सामने से एगी ने बैक टू बैक 2 फ्रैग निकाल लिए, लेकिन अभी एगी क्योंकि डैमेज है तो थोड़ा सा होल्ड बैक करेंगे, हील करेंगे अपने आप को, वापस से एचपी को रिगेन करना चाहेंगे बट एट द सेम टाइम एजे राइट साइड से फ्लैंक कर रहे हैं, राइट साइड से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बट सबसे मजे की बात है यहाँ पे गॉड लाइक गर्ल्स की मैं ये कहूँगा दोनों प्लेयर साथ में जा रहे हैं जो मैं काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था, मैं चाहता भी था ये हो और देखिए क्लची आगे की तरफ बढ़ रही है बट पीछे से रिबेल कॉन्स्टेंटली कवर बना रही है, लेकिन ये जो गन डिफरेंस देखने को मिल रहा है दिस इज क्वाइट अनरियल एट द मोमेंट, क्लची व्हाट एन अमेजिंग असॉल्टर दिस गर्ल इज, बहुत शानदार, किसी भी मैं कहूंगा सॉल्टर से कोई कम गेम देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, एगी को दोबारा स्पॉट किया, रिबेल धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगी, एगी डैमेज है लेकिन सही समय पे एजे आ गए, दैट इज व्हाई अब स्कोर लेवल होता हुआ 15-15 का आंकड़ा, 5 मिनट का समय बचा हुआ है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, जो हमारा तराजू है किसी भी तरफ स्विंग हो सकता है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि जब गेम शुरू हुई थी ना तो गॉल की टीम हल्का पीछे थी, मतलब चैट लिख रही थी बड़े आराम से जीतने वाली की थी और फिर जो कमबैक आया है मैंने वक्त बात और चैट में लोग बदलते देखे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं अब क्या होने वाला है,
जहां से लीड जीटी ले चुकी थी बट कॉल गर्ल्स ने वापस से लीड को कर दिया नलिफाय। यार ये तो बहुत ज्यादा क्लोज बैटल हो रही है, बट क्या यहाँ से अभी के लिए कनेक्शंस मिलने वाले? जी हाँ, गुजरात टाइगर्स मिली है वो कनेक्शन। एजे के पास आती दिखे कि दोनों प्लेयर्स को किया डाउन, बट एजे इज नॉट हैविंग दैट एचपी। कच के पास एक मौका रहेगा, एजे को करे साहब। एजे फंस चुके हैं यहाँ पर उन बॉक्सेस के अराउंड, और यहाँ से वो जंप शॉट भी काम करेंगे, बट एगी उनको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। यार सुप्रिया बिग गेम, वरना दिक्कतें बढ़ जाएंगी। एक को करना पड़ेगा यहाँ पे एक छोटा फ्लैंक जहां से वो कनेक्शन ढूंढ पाए, एक अच्छा कनेक्शन, लीड खत्म होते हैं। बट अगर एगी अभी पुश करे, दोनों प्लेयर्स बहुत टैग है। नो नो, स्टिल एगी को यहाँ पे फिनिश कर दिया रेबल ने, लीड फिर नलिफाई हो गई। नलिफाई हो गई है, लेकिन अभी तक ना सो फार इस तरीके से गॉडल गर्ल्स ने होल्ड बैक किया हुआ है ना, आई एम रियली गोइंग टू अप्रिशिएट देम एंड अप्रिशिएट देम अ लॉट। बट फिलहाल के लिए 20-18 का स्कोर, और अब जीटी के ऊपर डिफरेंस बन चुका है, 2 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है। लेकिन अभी भी 4 मिनट है इनके पास, 4 मिनट में वापस से कम बैक कर सकते हैं। 2 पॉइंट का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। गॉडल गर्ल्स फॉर श्योर दे कैन डू इट, बट एजे देखिए, कॉफ देखिए लड़कियों का। एजे को थोड़ा सा फॉल बैक करने पे मजबूर कर दिया, बट क्वाइट इजीली रिपेल को टेक डाउन किया। बट देयर कुड बी क्लची, हु इज गोइंग टू टेक द रिवेंज एज वेल। रिटेलिएशन किया है एगी सेंटर में, ओ रिबेल ने एगी को शट डाउन किया। 1 पॉइंट का डिफरेंस, अब दोनों प्लेयर्स थोड़ा सा चौकन्ने होके खेलेंगे, शांति से खेलेंगे, ताकि यहाँ पे बराबर हो सके, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लीड लेने का ट्राई कीजिए। एंड गाइस, जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग स्कोर को यू नो टाई देखें, बट अल्टीमेटली जो हमारा टाई ब्रेकर होगा वो आइदर टीम जो भी सबसे पहले दोबारा से टाई ब्रेकर जो होगा, जो भी टीम पहले 12 पॉइंट टच करेगी वो जीतेगी, ये हमारा टाई ब्रेकर होगा। जस्ट इन केस अगर हमारे यहाँ पे स्कोर लेवल होता है, बट यहाँ पे दोबारा से गॉड लाइक गर्ल 2 पॉइंट पीछे। बट FPP पे इसी को मत भूलेगा, बिकॉज़ आई रेड द रूल बुक, वहां पर तो ये मेंशन किया गया था, इसका मतलब चीजें और खराब हो जाएंगी। मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी बाबू, बोलिए तब मैं माफ करूंगा। आई एम सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो। गाइस, क्या इनसेन अरीना को माफ करना चाहिए, ये आप बताइए चैट पे यस और नो लिख के। बट चलिए अभी के लिए बात करते हैं एगी की, वो आगे बढ़ते देखेंगे जरूर से। वो लीड जो बनी है उसे बरकरार रखना चाहेंगे, जिस तरीके से प्यार आप अपना बरकरार रख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करके, और अगर आपने अब तक नहीं किया, चलिए ये आपको एक मौका मिल चुका है कि जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इतना क्लोज मैच मुझे नहीं लगता किसी ने सोची होगी। इतना क्लोज मैच बिल्कुल भी नहीं, देखिए 23-23 का मुकाबला चलता हुआ, एंड देयर वी गो, एजे वापस से लीड लिया, लेकिन तुरंत लीड को शटडाउन कर दिया। क्लच इज ऑलवेज देयर टू हैव द बैक ऑफ रिबेल। लेकिन अभी देखिए वापस से गुजरात टाइगर्स अपने लिए रोर करते हुए एक और फ्रैग निकालते हुए, एजे एंड एगी की जोड़ी सामने है, क्लची एंड रिबेल बिहाइंड द कंटेनर, हमें एजे नजर आ रहे हैं और क्लची का जो खौफ है ना वो देखने को मिल रहा है। ओके, एगी को स्पॉट किया, लेकिन टेकडाउन भी किया है, बट रिबेल को यहाँ पे एजे को भी टेकडाउन कर दिया। क्या बात है, 26-26, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हमें स्कोर लेवल देखने को मिलेगा। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि किस लेवल का प्ले आपको वर्ल्ड गर्ल्स की तरफ से आता दिख रहा है, मतलब ठीक है हमने एक बार पहले देखा था और पूरे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी ने देखा था, व्हेन वी सॉ देम प्लेइंग ऑन द ऑफिशियल इवेंट, बट जिस तरीके से यहाँ पे टीडीएम बैटल, यू हैव टू शो योर गन पावर, आपको क्लोज रेंज बैटल जीतनी और वो भी काफी बढ़िया, एक कितना बढ़िया डेडली डुओ बनता दिख रहा है रेबल और क्लची, एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड, आई एम वेरी फैन, बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और गुजरात टाइगर्स, मैं बोलता हूँ जिस तरीके से अभी के लीड आई है लास्ट सेकंड में, शायद ये जीत भी जाए, बट स्टिल इंप्रेस काफी ज्यादा गॉल्ड गर्ल्स ने किया है मुझे, इस चीज से मुझे लगता नहीं चैट पर कोई दोहराए, मुझे लगता है होने वाली है, मुझे लगता नहीं कि कोई और इस चीज से बोलेगा कि नहीं यार ये तो बहुत गलत बात कर रहा हूं मैं, बट ठीक है चलिए अभी के लिए गुजरात टाइगर्स थोड़ी सी लीड बन चुकी है, थोड़ी ज्यादा बन चुकी है 5 अंकों की, और अब यहाँ पे वो लीड खत्म करना मुश्किल, और यही वो फेज जो हम बात करते हैं, हर बार ऐसा क्यों होता है कि लास्ट के जो 1-2 मिनट होते हैं वहां पर जिसने लीड पकड़ ली वो मेंटेलिटी एक अलग लेवल की, वहां पे अगर आपके आज एक बार लीड गई तो फिर आप धीरे धीरे करके डाउन ही होते चलते हैं, और वो चीज मुझे दिख रही है। गुजरात टाइगर्स अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा सीरियस होते हुए और एक बढ़िया गेम पे दिखाते हैं, बट अभी के लिए बेहतरीन क्रॉस का सेटअप है कि आइए तो एक कदम बाहर रखिए तो एक को डाउन करेंगे, दूसरा डाउन करेगा, और वो चीज बहुत बढ़िया तरीके से 35 हो चुके हैं, समय है क्या 40 का आंकड़ा टच होगा या नहीं? देखिए अब जो डिफरेंस था अब तक, जो हमारा मुकाबला बराबरी का चल रहा था, वो वहां पे जो डिफरेंस आया वो आ चुका है 40, तो आई डोंट थिंक 40 तो किसी भी हाल में मुझे नहीं लगता देखने को मिल सकता है, एक या दो फ्रैग और आएंगे बट 40 तो नहीं होगा। लेकिन अभी रिबेल फिर भी कोशिश कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू ट्राई हार्ड अंटिल द वेरी लास्ट ब्रेथ ऑफ योर्स, आखिरी तक लड़ते रहना पड़ेगा, लेकिन अब 30 सेकंड है, 4 का आंकड़ा और टच करवाना है टू हिट द 40 पॉइंट मार्कर, बट गर्ल्स 40 का आंकड़ा कहीं ऐसा ना हो कि टच हो जाए, बट सरदार जी चलिए लास्ट कॉल, क्या लगता है? मेरे हिसाब से नहीं होगा 40,
मुझे लग रहा है हो जाएगा, पता नहीं क्यों बट मुझे होप आ रही है, उम्मीद से आ रही है कि हो जाएगा। और क्लेची क्या वो होने वाला है, एक मौका, नो रेबेल ने रोका, रेबेल ने रोका लास्ट सेकंड्स, बहुत तेजी में भाग के आने वाले प्लेयर्स की 40 टच कर ले, लेकिन वो चीज हो नहीं पाएगी, एक अंक और नहीं आ पाएगा, 38 टोटल, बहुत ज्यादा बढ़िया गेम आता दिखा, लेकिन